हाय गाइस, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने जो सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन को 4C यूरोकोट को ठीक करके दिखाएंगे। इस वॉशिंग मशीन में जो प्रॉब्लम है, 4C यूरो आता है, पानी भी लेता है, थोड़ा टाइम के बाद इस वॉशिंग मशीन में 4C आता है। इसके लिए फर्स्ट हम देखेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो इलेट बल्ब है, ये देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोग देख सकते हो ये वॉशिंग मशीन अभी चालू हो रहा है, थोड़ा टाइम के बाद 4C यूरो आएगा। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन में अभी 4C आ रहा है। इसके लिए हम इस 4C यूरोकोट को ठीक करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जानकारी दे सकते हो। और आप लोगों को वॉशिंग मशीन का पीसीबी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम हम देखेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो पानी का जो पाइप है, ये देखेंगे। आप लोग देख सकते हो मैं जो वॉशिंग मशीन का जो पानी का पाइप देख रहा हूँ, इसमें पानी भी आ रहा है, इसका जो पाइप का प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम देखेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो इलेट बल्ब है, ये देखेंगे। इलेट बल्ब को देखने के लिए आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जो पीछे का जो पैनल है, ये खोलना पड़ेगा। खोलकर इलेट बल्ब को देखना पड़ेगा। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैंने जो वॉशिंग मशीन का पीछे का पैनल भी खोल लिया है। अभी हम देखेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो इलेट बल्ब है, ये देखेंगे। आप लोगों को वॉशिंग मशीन में 4C यूरोकोट क्यों दिखाता है, मतलब दो चीज खराब होने से दिखाता है। आप लोगों को फर्स्ट टाइम देखना है वॉशिंग मशीन का जो प्रेशर सेंसर का जो पाइप है, ये चुएने कर लिया तो 4C यूरोकोट दिखाता है। नहीं तो आप लोगों को वॉशिंग मशीन का जो इलेट बल्ब का जो पाइप है, ये इसमें कचरा जम गया तो 4C यूरोकोट दिखाता है। इस वॉशिंग मशीन में जो प्रॉब्लम है 4C यूरो का, इस वॉशिंग मशीन का जो इलेट बल्ब का जो मतलब इलेट बल्ब में कचरा जम गया है, इसलिए इस वॉशिंग मशीन में 4C यूरोकोट आता है। अभी हम इस वॉशिंग मशीन का जो इलेट बल्ब है, ये साफ करेंगे। साफ करके हम इसमें सब करके हम इसको लगा कर देखेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। मैंने वॉशिंग मशीन का इलेट बल्ब का जो कवर है, ये मैंने साफ कर लिया है। अभी हम इसको लगाएंगे, लगाकर एक बार स्टर कर देखेंगे। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जानकारी दे सकते हो। मेरा जो वॉशिंग मशीन का जो इलेट बल्ब लगाना हो गया है, अभी हम इस वॉशिंग मशीन को स्टर करेंगे, स्टर कर देखेंगे। आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन का जानकारी दे सकते हो। अभी हम इस वॉशिंग मशीन को स्टर करेंगे, स्टर कर हम इसको चला कर देखेंगे। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन में जो 4C का प्रॉब्लम है, शायद मेरे हिसाब से इस वॉशिंग मशीन का जो 4C यूरो का प्रॉब्लम है, ये ठीक हो गया है। मैंने इस वॉशिंग मशीन में जो 4C यूरो का प्रॉब्लम है, ये मैंने ठीक किया है। इसका जो इलेट बल्ब का जो कवर है, ये कचरा जम गया, इसलिए इस वॉशिंग मशीन में 4C यूरो आया था। आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन मिलेंगे।